विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस अब रायगढ़ लोकसभा सीट को भी जीतने की जुगत में लग गई है। इसके लिए कांग्रेस का ध्यान अब युवा वोटरों पर है। इसी वजह से कांग्रेस अब युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद में जुट गई है। एनएसयूआई ने इसी सिलसिले में बेहतर भारत शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में जिले भर से 2000 से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल हुए। शिविर में न सिर्फ छात्रों से चर्चा हुई बल्कि पार्टी से जुड़ने का आह्वान भी किया गया। रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव सहित रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों के विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले भर के 15 से अधिक कॉलेजों के 2000 छात्र छात्राएं शामिल हुए। पर युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और युवाओं से चर्चा कर रहे हैं हर जिले की जो मूलभूत आवश्यकताएं समस्याएं जो युवाओं को छात्रों को होती है उस पर कैसे आने वाले समय में हम लोग उसका निजात करेंगे। और निश्चित रूप से इस बार 11 की 11 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस विजयी होगी। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आम चुनाव है, देश की नीति निर्धारित करनी है, इन सब को लेकर आज एक बहुत बड़ा हम लोगों ने सम्मेलन आयोजित किया है। एनएसओई ने देश भर में बेहतर भारत के अंतर्गत जो यह कार्यक्रम आयोजित किया है, एनएसओई के द्वारा राहुल गांधी जी के साथ और देश के विभिन्न छात्रों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। 2019 के इलेक्शन में अगर सबसे बड़ा अगर जीत का कांग्रेस पार्टी का कारण होगा तो छात्र युवा इस बार बदलाव की आंधी बहाएंगे।